नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अक्सर आपने सुना होगा कि शादी के मंडप में शादी के टूट जाने की खबर ज्यादातर मामलों में दूल्हा पक्ष के द्वारा दहेज को लेकर तूतूमय शुरू हो जाती है और पल भर में मंडप के बीच शादी टूट जाती है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह खबर हैरान कर देने वाली है। भला उमस भरी गर्मी में ठंडी हवा किसको नहीं पसंद है, कूलर सामने हो तो फिर क्या कहना, लेकिन बलिया में उमस भरी गर्मी के बीच शादी के मंडप में कूलर ही शादी तोड़ने का कारण बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक मैरिज हॉल में आए मेहमानों के बीच कूलर के सामने बैठने के लिए नोकझोंक शुरू हो गया। इस नोकझोंक की खबर दुल्हन तक पहुंची तो उसने शादी से सीधे इनकार कर दिया। पूरा माजरा जनपद बलिया के नगर पंचायत चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र का है। यही नहीं, मामला दुल्ला हुकुम चंद जायसवाल ने कहा कि हम सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। केवल लड़की की खूबसूरती पर बगैर दहेज की शादी हो रही थी, लेकिन घराती और बाराती में थोड़ा सा अनबन हुआ, जिसके बाद अब लड़की शादी करने से साफ इनकार कर रही है। गर्मी में कूलर हवा पड़ा भारी, कट गई शादी। शादी की रस्म पूरी होने वाली थी कि बाराती आपस में कूलर के हवा को लेकर अनबन कर रहे थे, जिसका खामियाजा दूल्हे को भुगतना पड़ा। जब शादी के दौरान बैठी दुल्हन को पता चला कि कूलर को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो दुल्हन शादी से बिल्कुल इनकार कर दी। दुल्हन का मानना है कि अभी तो झगड़ा शुरू हो गया तो घर जाने पर क्या होगा, ऐसे में शादी शुभ नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मनाता रहा दुल्हा, एक नहीं सुनी दुल्हन। दुल्हन को समझाने का प्रयास बहुत किया गया, शादी विवाह में थोड़ा सा अनबन कभी न कभी हो जाता है, इसको बुरा मत मानिए, शादी कर लीजिए, लेकिन दुल्हन को यह शादी बिल्कुल नहीं भा रही थी। शादी में बुलानी पड़ी पुलिस। पुलिस जब आई तो शादी में कूलर के हवा को लेकर हुआ अनबन, शादी काटने तक जब पहुंच गया तो लोगों को यह लगा कि अब बवाल हो जाएगा, तो उसी में किसी ने पुलिस को सूचना दी। अंत में पुलिस और आई दोनों पक्षों को थाने ले गई। चितबड़ा गांव थाना अध्यक्ष प्रशांत चौधरी की माने तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी और शादी टूट गई। अंत में शांति भंग करने हेतु तो दोनों पक्षों को 151 में चालान कर दिया। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मुस्तफाबाद। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है, किस थाने में? सिकंदरपुर के पास। अच्छा, अभी कहाँ शादी हो रही थी और क्या था माजरा, क्या हुआ था अचानक? ये शादी माजरा था कि कूलर के लिए आवाज के लिए कोई दूसरा आदमी झगड़ा किया, हम लोग को जीत गया। क्या लड़की बोले हम शादी नहीं करेंगे, हम बोले कि शादी करेंगे। तो लड़की अब क्या कर रही है? बोलते शादी नहीं करेंगे। तो ये हाँ जी, क्या उसका क्या मतलब मांग है, लड़की क्या बोल रही है? मांग ये है कि जो सामान हम लोग दिए हैं आप हमारा लौटा दीजिए, जो हम दिए पैसा वो दीजिए बस। ये शादी कहाँ हो रही थी? गांव घर में या किसी होटल में? नहीं नहीं, मैरिज हॉल में। अच्छा, मैरिज हॉल में। तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी? गाँव की। अच्छा, तो लड़की अब शादी नहीं करेगी? हम लोग झगड़ा नहीं किया, दूसरा कोई झगड़ा किया और बाद में लड़की बोलती है शादी नहीं करेंगे। तो लड़की के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? भाई अभी आए हैं, उनका पापा भी आए। अच्छा, चालान भर दो जी। मेरा नाम दुर्गेश नारायण पड़ेगा। अच्छा, इन लोग का मैटर यह है कि शादी करने मना कर गए थे, वहाँ पे कूलर के हवा के लिए झगड़ा हुआ, जिसमें लड़की वाले कह रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे। देखिए, मैटर कुछ उल्टा लग रहा है हमको भी। 151 में चला हुआ शांति भंग में। अच्छा अच्छा, ये शादी का मैं एडवोकेट। ठीक, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।